हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के हिंदी मानक व्याकरण के पाठ 5 को पढ़ेंगे। पाठ 5 व्याकरण में, तो पाठ 5 का क्या नाम है, चैप्टर 5 का क्या नाम है, वर्तनी व्यवस्था यानी स्पेलिंग को देखेंगे। तो इसमें शुद्धि अशुद्धि के बारे में हम ध्यान देंगे कि भाषा की अशुद्धि मौखिक प्रयोग के कारण उसमें लिखित रूप में अशुद्धताएँ आ जाती है। उसकी अशुद्धता के लिए भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्याकरण की जानकारी का न होना, मानक रूप की जानकारी न होना, क्षेत्रीय प्रभाव आदि का न होना, याद का होना और लिखते समय असावधानी का होना। वर्तनी संबंधी सावधानी कुछ आवश्यक नियम दिए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके लिए हमेशा काम करेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वर्तनी के नियम, इसमें थोड़ा सा ये पेज क्लियर नहीं आ रहा है, आगे के पेज सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं संयुक्त अक्षर निर्माण। संयुक्त अक्षर में देखिए, जहाँ पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो वहाँ संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर के निर्माण की विधि निम्नलिखित है। देखिए अब इसमें क्या है, और जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई पाई जाती हैं उनका संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब खड़ी पाई क्या होते हैं, तो खड़ी पाई आइए देखते हैं कि खड़ी पाई, जैसे देखिए खड़ी पाई युक्त शब्द में ख ग घ घ च ज ण, तब इसमें क्या लगा है, खड़ी पाई रहित। अगर खड़ी पाई हटा देंगे क्या हो जाएगा, देखिए ख बन गया ऐसे, ग ऐसे, यानी ये वाली जो पाई यूज करते हैं वैसे, ठीक है। अब उदाहरण क्या हो गया, ख्याति लग्न, तो ग आधा आ गया ना, तो यहाँ खड़ी पाई हट गया, लग्न विघ्न कच्चा तो ऐसे हट गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी है बेटा, तो ये खड़ी पाई देखिए कैसे हट गया। ब में देखिए, जिन व्यंजनों में पाई नहीं पाई जाती उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तब उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, यानी जिन व्यंजनों में बेटा खड़ी पाई नहीं होती है उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तब उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये हैं व्यंजन अंग छ ट ठ ड ढ द ह, इन्हें वाक्मय उच्छ्वास नाट्य उद्भव चिन्ह आदि रूपों में लिखा जाता है, ठीक है। स का देखिए, जिन व्यंजनों के मध्य में पाई होती है, मध्य में उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय पाई के आगे लगे हिस्से को आधा काट देते हैं, जैसे क का देखिए आधा क धक क आधा ऐसे, ठीक है। तदप त न, अब द में भी ठीक उसी प्रकार से है, थोड़ा सा चेंज है। द में देखिए, व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। यदि र स्वर रहित पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे कर्म है तो करम, देखिए तो इसको बन के क्या हो गया, सी र स क, तो शीर्षक हो गया ना, तेरे मात्रा। अब यहाँ वर्मा पार्टी, तेरे पार्ट लगाना वर्मा, तो शीर्षक, अब इसीलिए उसको बना देते हैं हम रेफ। जब र के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन संयुक्त होता तब र चार प्रकार से लिखा जाता है। पहले में देखिए, क्र म करम, स म राट त सम्राट, ठीक है। स्वर रहित द और ह में तो ह रा स द्रव्य, देखिए स्वर रहित ट और अंग जब स्वर युक्त र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को के रूप में लिखा जाता है, देखिए ड्रामा का और राष्ट्र का, ठीक है। तो ये बेटा हुआ स्वर रहित स, जब स्वर युक्त र के साथ संयुक्त होता है तब स के रूप में लिख सकते हैं, किंतु इसके लिए मानक वर्णमाला में स्र रूप स्वीकृत है। जैसे स रस इजकल टू स्र, अब श्री सर सरी, तो ऐसे बेटा पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे देखो शीर्षासन श्री स स सुषा, अब इसका क्यों है, क्योंकि जब किसी शब्द में स स स में से तीन या दो का एक साथ प्रयोग होता है तो वे वर्णमाला के क्रम से स ख स ही आते हैं। पंचमाक्षर में स्वर रहित पंचमाक्षर क्या है, अंग अड़म अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आते हैं तब उसे अनुस्वार के लिए, जैसे क वर्ग में एक एक बताऊंगा भाई बेटा, जैसे गंगा है तो ग में अंग लगा है ना, देखिए गंगा, झ में इया, ठीक। इसी प्रकार प वर्ग में प्रारंभ ऐसे है। मानक वर्तनी अब आगे ऊपर देखिए, मानक वर्तनी के नियमानुसार वर्गीय व्यंजनों के नासिक वर्ण के व्यंजन संयुक्त होने पर अनुसार का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि दोनों रूप संयुक्त है फिर भी हिंदी की सर्वदेशी एकताओं को देखते हुए उसमें एक रूप तलाना आवश्यक है, इसीलिए सरल दिया गया। ब में भी देखिए, यदि व ह के पहले स्वर रहित तो पंचमाक्षर हो तो वहाँ पंचमाक्षर ही रहता है, अंग यहाँ अड़ वाला, तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे समन्वय कन्हैया तुम्हारा पुण्य, ठीक। इसी प्रकार जब कोई पंचमाक्षर है तो जन्म वाग्मय मृगमय निम्न ऐसे लिखा जाए। वर्त संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, अब यहाँ से आपका मेन अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी तो नियम आपने पढ़ा। अब देखिए अ तथा आ संबंधित, अ तथा में क्या है, अशुद्ध है, अपना थोड़े बोलते, अपना ना बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार साप्ताहिक
न बोल के साप्ताहिक करते हैं आहार न करके आहार। बेटा इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा आधीन अधीन ई तथा ई में तिथि तिथि, ठीक है, तिथि नहीं तिथि, अभिमान नहीं अभिमान, गृहिणी नहीं गृहिणी, ठीक है। इसी प्रकार ऊ का फोर का ये सब आप बारी बारी से बेटा देखते चलिए सब। यहाँ देखिए री संबंधी में प्रकृत और प्रकृति, श्रृंगार और श्रृंगार। अब जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तुरंत जाइए आप रूल्स पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, नियम पे। रंगाई रंगाई देखिए यह अनुनासिक वाला है। विसर्ग में स्वर न और संबंधी शुद्धियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको याद देखते चलिए, ठीक है। देखिए पंचमाक्षर में भी पंकज मानसिक, मानसिक होता है मानसिक तो होता नहीं, घंटा ऐसे न लिखे ऐसे लिखते घंटा, ठीक है, संख ऐसे न लिखे संख लिखते हैं। तो बेटा ये सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लियर है, हर जगह यूज आएंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना कैसे करते हैं, तो व्याकरण के नियमों को उचित जानकारी के अभाव में वाक्य संबंध संरचना संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसका दो बातों रखना जरूरी, पदक्रम और अन्वित का, ठीक है। पाठ्यक्रम में तो उचित स्थान के पदक्रम के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिए। अ प्रश्नवाचक सर्वमान वाक्य के आरंभ मध्य तथा अंत में कहीं भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन है। जैसे क्या तुम जयपुर जा रहे हो, तुम क्या जयपुर जा रहे हो, तुम जयपुर जा रहे हो क्या, देखिए अंतर आ गया ना, लेकिन एक ही है, ठीक। इसी प्रकार क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान से उपर्योग तीनों वाक्यों के अर्थों में भी परिवर्तन आ गया। देखिए क्या को तीन जगह किए तो तीनों में परिवर्तन आ गया, ब में, ठीक। इसी प्रकार अब विशेषण आते हैं, विशेषण प्रायः विशेष से पहले आता है, हमेशा विशेष से पहले। यदि वाक्य में एक साथ कई विशेषण हो तो पहले संकेतवाचक, फिर संज्ञावाचक, फिर प्रमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण आते हैं, यानी सीरियल से पहले संख्या संकेत आपको लाना है, फिर संख्या लाना है, फिर परिमाण, फिर गुणवाचक, ठीक है। तो अब जैसे उन पाँच मेहनती मजदूरों को खाना खिलाओ, इस वाक्य में उन क्या है संकेतवाचक, पाँच क्या है संख्या और मेहनती क्या है गुणवाचक। देखिए वाक्य में साधारण तया पहले कर्ता फिर कर्म या पूर्वक और अंत में क्रिया आती है। जैसे पिताजी शहर गए हैं, इसमें पिताजी क्या है कर्ता है, शहर क्या है पूर्वक और गए क्या है क्रिया है, ठीक है, ऐसा लगता है बेटा, ध्यान देना। द में आइए, मात्रा तक भर ही भी तो में क्या है, जैसे देखिए मैं शाम घर आऊँगी तो शाम पर जोर दिया गया, इसमें मैं भी घर आऊँगा, इसमें मैं पे जोर दिया, मैं घर भी जाऊँगा, घर पर जोर दिया गया, ठीक है। तो य में करण संप्रदाय अपादान तथा अधिकरण कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। भिखारी को भोजन दो तो संप्रदान है, पेड़ से अपादान मतलब गिरना अलग होना अपादान कहते हैं, इसलिए पेड़ से फल गिरता अलग हो रहा है ना। अब भिखारी को भोजन दो उससे टच में आ रहा है भिखारी को। अब कारण सुलक्षणा कार से दिल्ली आई तो ये करण है, किससे आई से आई, यानी कार से दिल्ली आई। अब यहाँ देखिए यहाँ भी स है लेकिन यहाँ भी से है दोनों जगह, मगर यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ उसके साथ आ रहा है, ठीक है। अब र में देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, मुझे गर्म गाय का दूध दो, मुझे गर्म गाय होगा, मुझे गाय का गर्म दूध दो ना। अब बैल को काट कर चारा खिलाओ, क्या बैल को कोई काट के चारा खिलाओगे तो खाएगा कौन, बैल जब कट जाएगा तो चारा काट कर बैल को खिलाओ, ठीक है। इसी प्रकार ग है, ठीक है। अब ये तो आप रोज पिताजी वापस लौट आए, नहीं पिताजी लौट आए हैं, अरे लौट आए हैं को तो वापस कहा जाता है, तो यही है, ठीक है। अब अन्विति का देखिए, अन्विति का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों शब्दों लिंगों वचन कारक आदि के अनुसार रखना, वाक्य संरचना में अन्विति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में अन्विति के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित है, कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे लड़का खेलता है लड़के खेलते हैं लड़की जाती है, ठीक। कि यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष वाले दो या दो से अधिक कर्ता हो और उनके साथ कोई परसर्ग न हो तो क्रिया पुल्लिंग होती है, जैसे मेला देखने राम दिनेश और मोहन जाएंगे, मोहिनी सुरेखा रजनी और राधा बाजार जाएंगे, जाएगी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो परसर्ग लगाना है यहाँ पे, यानी चंद्रबिंदु वाला। यदि कर्ता और कर्म का लिंग स्पष्ट न हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, ठीक है।
चौथा, यदि वाक्यों में भिन्न भिन्न लिंगों और वचनों से अनेक कर्ता रहित हों तो क्रियावचन में अंतिम वर्ता और कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। जैसे मदन सरता में मोहित खेलने गए। अब कर्म और क्रिया के नतीजे, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति आए और कर्म के स्थान पर क्रियार्थक हो, संज्ञा हो, तो सदा क्रिया एक वचन पुलिंग व अन्य पुरुष में होती है। भाववाचक क्रिया सदैव एक वचन पुलिंग व अन्य पुरुषों में होती है। यदि भूतकाल की सकर्मक क्रिया प्रसर्ग रहित हो और कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ठीक है। चौथा, नेक्स्ट, यदि वाक्य में विभिन्न लिंग वाले अनेक विभक्ति चिन्ह लगे हों तो क्रिया अंतिम वर्ग के अनुसार होगी। तो पिताजी ने दूध के साथ रोटी और सब्जी खाई, पिताजी ने दूध के साथ रोटी और अचार खाया। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा बेटा। अब देखिए क्रिया है और विशेष की अनुमति। विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घोड़ी। अब घोड़ी है तो काली लग जाएगा, घोड़ा है तो काला, घोड़े हैं तो काले, एक जैसे। ठीक है। अब यहाँ भी अच्छे भाई बहन, समस्त पद के कारण बहुवचन में अकारांत विशेषणों को छोड़कर सभी विशेषण लिंग पुरुष वचन में एक समान रहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, सुंदर बच्ची। यदि एक ही विशेषण के साथ एक से अधिक लिंग व वचन के कई विशेष जुड़े हों तो विशेषण के लिंग वचन पहले विशेष के अनुसार होते हैं। जैसे मीठा संतरा और जामुन। वर्तनी संबंधी कुछ नियम देखे। सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे उनको, राम को, संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग लिखना चाहिए, जैसे विद्या, विद्या, कुत्ता, इस तरीके से। युग्म शब्दों को द्वंद्व समासों में योजक चिन्ह लगता है, जैसे आना जाना, ऊपर नीचे, इधर उधर, जैसे युग्म शब्दों में लगता है। ठीक है। अब अशुद्ध वाक्यों का संशोधन देखिए। अशुद्ध वाक्य में शुद्ध वाक्य में राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, वन को गई नहीं, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, क्योंकि ये तीन है, यहाँ केवल सीता नहीं है कि बन गई। हम किसी और लड़के को बुलाओ तो किसी अन्य लड़के को बुलाइए ना, किसी और लड़के को बुलाओ थोड़ा, किसी अन्य लड़के को बुलाइए। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था ना, ठीक, इसी प्रकार से बेटा सब है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ भी है, चारपाई छत में रखी है, नहीं, चारपाई छत पर रखी है। तो बेटा पूरा प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ भी आपको शुद्ध शुद्ध प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री लिखना है, तो भी ध्यान दीजिएगा। तो सब बारी बारी से आप लोग बेटा देख लीजिए, तो इसमें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सब रूल्स मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना बेटा पढ़ के। चलो, ओके।